तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर करते हुए ग्रुप टू की मजबूत टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और अब यहां से ग्रुप टू का जो पॉइंट्स टेबल है और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का जो समीकरण है वो गणित है, वो पूरी तरह से खुल चुका है। दक्षिण अफ्रीका भी सेमीफाइनल में जा सकती है, हिंदुस्तान भी सेमीफाइनल में जा सकता है, पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जा सकता है और बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में जा सकता है। सबसे पहले अगर आपको बताएं, पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 33 रन से जीता। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका के सामने 186 रन का टारगेट था, लेकिन बारिश हुई, उसके बाद डकवर्थ लुईस मैच में आया नियम में और टारगेट को 142 किया गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 108 रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर। और इससे दक्षिण अफ्रीका के जो पॉइंट्स टेबल में उनकी नेट रन रेट को नुकसान हुआ और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट पहले से ही मजबूत था वो और ज्यादा मजबूत हो गया है। अब पहले नंबर पर हिंदुस्तान है पॉइंट्स टेबल में, नंबर दो पर आपकी दक्षिण अफ्रीका है और नंबर तीन पर अब आ चुका है पाकिस्तान। भारत के 4 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं, दक्षिण अफ्रीका के 4 मैचों में 5 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान के 4 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं। उनका जो नेट रन रेट है वो भारत से ज्यादा है, बांग्लादेश से ज्यादा है, दक्षिण अफ्रीका से कम है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को एक बहुत बड़ा आउटसाइड चांस दिया है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को इसके साथ डिपेंड होना पड़ेगा दूसरी टीमों से। अगर नेदरलैंड्स हरा देता है दक्षिण अफ्रीका को, इंडिया हरा देता है जिम्बाब्वे को, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश को बस हराना है और सेमीफाइनल में जाना है। तो एक इम्पोर्टेंट मैच पाकिस्तान ने जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराया, वो टीम जिसने हिंदुस्तान को हराया था, बांग्लादेश को हराया था, एक मजबूत टीम मानी जा रही थी, लेकिन अंत में पाकिस्तान ने एक उलटफेर किया, एक बड़ी जीत पाकिस्तान को मिली और अब वो पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर आ चुके हैं, टॉप 3 में आ चुके हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एक जीत चाहिए और वो दुआ करें कि अफ्रीका और जिम्बाब्वे में से कोई भी एक टीम अपना सिर्फ एक मैच हार जाए।